तो हेलो ट्रेडर, स्वागत है आप लोगों का नया फ्रेश वीडियो में। और आज हम बात करेंगे लॉस कवर मंडे। ठीक है, तो मंडे के दिन आपको कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट जो है नीचे से सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बन चुका है। तो अपन बात करेंगे मंडे के दिन में आपको कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है, बस आप लोग ध्यान से देखना। मंडे के दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और कौन सा ट्रेड पे आपको प्रॉफिट होगा वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले अपन पुराने लेवल्स को हटा लेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ देख सकते हो मार्केट अभी दो चार दिन से मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट बनाया था ना अपन ने लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम पे वन डे के, इसमें तो वो लेवल्स देख रहा था मैं। ठीक है, तो अब जाके सपोर्ट ले चुका है मार्केट अच्छा खासा। अब जो है 51,000 का जो लेवल है वो अब नहीं टूटेगा। ठीक है, दोबारा अब नहीं टूटेगा, रिकवर हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कल के दिन में, ठीक है, ये जो टारगेट है ना कल यानी मंडे के दिन में आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा। ठीक है, नीचे के साइड ये आपका मेजर यहाँ से सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, इससे अब नीचे नहीं जाएगा मार्केट। ठीक है, पहले ऊपर जाके जो 52,000 का लेवल टच करेगा, उसके बाद देन अगर रिट्रेसमेंट लेके पुल बैक मारता है तो फिर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से रिटर्न मार सकता है अपन, कॉल के साइड में जा सकते हैं इस लेवल पे अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो। ठीक है, तो कल के दिन तो गैप अप ओपनिंग होना ही है। ठीक है, अगर गैप डाउन गलती से हो चुका तो यह यहाँ से सपोर्ट बना के फिर से मार्केट निकल सकता है। मतलब हर कंडीशन में कल सेकंड हाफ में मार्केट बुलिश ही रहेगा। ठीक है, अगर सुबह के मॉर्निंग सेशन में अगर मार्केट डाउन अगर जाता है तो आपको सेकंड हाफ में बुलिश मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ जो देखो यहाँ पे परफेक्ट रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो इस ट्रेंड लाइन को अगर क्रॉस करे, ठीक है, क्रॉस तो कर चुका है, कैंडल ऊपर के साइड ही क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कल क्या होगा, मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आके और फिर अगर बुलिश होता है तो आपको 52,400-500 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। और उसके बाद अगर इसको ऊपर किया 800 तक तो मार्केट बुलिश रहेगा फिर। ठीक है, बाय ऑन डिप चलेगा, आप लोग अभी नोट कर लो। ठीक है, 51,300। ठीक है, 51,300, तो 51,300 का आपको क्या लेके चलना है मंडे के दिन में। ठीक है, क्या लेके चलना है, सी यानी कि कॉल। ठीक है, आपको जब लेना है तब मार्केट गैप अप ओपनिंग हो। ठीक है, ज़्यादा गैप अप ओपनिंग ना होना चाहिए, 51,300 या 400 के बीच में। ठीक है, आप याद रखना इस बात को, और जब भी मॉर्निंग सेशन में जब आप बैठते हो ना तो ट्रेड मत ढूंढा करो। ठीक है, जो लेवल देता हूँ वो लेवल्स के हिसाब से अगर आप लोग काम करोगे तो आपका लॉस कवर आराम से हो जाएगा। क्या आप लोग गलत ट्रेड ले लेते हो और उसी ट्रेड का जो लॉस रहता है उस लॉस को लेके आप पूरे दिन बैठे रहते हो, उसके चक्कर में आपका जितना भी ट्रेड है वो बहुत गलत गलत ट्रेड जाता है। ठीक है, आपका माइंडसेट ख़राब हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये मैं जो लेवल बताया हूँ देखो वन डे के चार्ट फ्रेम पे भी परफेक्टली लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या कहे, बुलिश मार्केट मंडे के दिन में होना ही है, बस गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। ठीक है, ये जो 51,295 का जो लेवल है ये बहुत मेजर सपोर्ट बन चुका है, यहाँ से मार्केट अब नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, अगर गिरना है तो पहले 52,000 को टच करके रिटर्न होगा, उसके बाद ही गिरेगा। ठीक